सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके अनुरोध से मुझे बहुत वैसे तो अच्छा लगा कि पहली बार आरोग्य भारती के किसी वेबिनार में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है हम आपके आदेश का पालन करेंगे। तो इनफर्टिलिटी जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कपल की समस्या है, कपल के साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि परिवार की समस्या है, फैमिली और उसके साथ सोसाइटी जुड़ी रहती है और सोसाइटी के साथ पूरी आप ये बोल सकते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम है जो कि देश को भी प्रभावित करती है। और मैंने इसमें अतुल जी ने बोला था कि कारण बता देंगे मैडम, तो मैंने सोचा कि कारण तो वो बता ही देंगी, चलो कोई नहीं, तो मैं अपने हिसाब से शुरू करती हूँ जितना भी मुझे समय दिया है। तो आयुर्वेद जो बोलता है कि गर्भ की प्राप्ति कैसे होती है, तो एक वो फिजिकल या इसको मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं कहा है आयुर्वेद में कि ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें जो स्त्री की कुक्षी है उसमें शुक्र शोणित के साथ जीव का संयोग होता है, तब जाकर गर्भ की प्राप्ति होती है। तो एक इसमें अध्यात्म भी जुड़ा है, इसमें जीव जो है वो जुड़ता है, तो ये पूरी जो है शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक प्रोसेस है। तो वहां हमें एक जीव आ रहा है उसका स्वागत करना है। जैसे थोड़ा सा एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आपके घर में या हम सबके घर में गेस्ट आते हैं, है ना, तो कई बार ये होता है कि अचानक आ जाते हैं, कई बार ये होता है कि बोलकर आते हैं। जब अचानक आ जाते हैं गेस्ट तो महिला जो घर की होती है वो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील करती है और बोलती है कि अरे बोल के नहीं आते, या पहले पता होता तो ऐसे कर लेती, ये तैयारी कर लेती, वैसे कर लेती। वो हर महिला ने ये फील किया होगा अपनी लाइफ टाइम में कि कभी भी कोई गेस्ट आया है तो बिना बताए आ गया या बिना तैयारी, आपकी तैयारी नहीं है और आ गया है, तो आपने कैसा फील किया। और अगर बता के आता है, आपको पता है कि वो आने वाला है, तो आप कैसे तैयारी करते हैं। और अगर वो रुकने वाला है कुछ दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप कैसे तैयारी करते हैं। तो और दूसरा कि उसका लेवल क्या है। जैसे कि हम इंस्टीट्यूट्स में होते हैं तो हमारे पास आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, ऑफिसर आए, मुख्यमंत्री आते हैं, कई बारी हेल्थ मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो आयुर्वेद भी इस बात में ऐसा कहता है कि जो जीव आ रहा है 9 महीने रहने वाला है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वहां पर रहता है, तो उसके लिए यू हैव टू डू प्रिपरेशन, तैयारी करना जरूरी है। उस जीव को आह्वान किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, और कोई भी गेस्ट आएगा आपके घर में अगर साफ सुथरा होगा तो उसको अच्छा लगता है और वो अच्छा इंप्रेशन लेके जाता है। तो ये जो जीव इसमें आ रहा है, कुक्षी में एंटर किया है, वो 9 महीने रहेगा और बाद में वो उसको आप संसार में भेजते हैं, इस सृष्टि में भेज रहे हैं, जो कि आगे उसका लाइफ टाइम जो संस्कार होने वाले हैं वो उस 9 महीने के दौरान उसमें आने वाले हैं। मेरा बोलने का पर्पज ये है कि जीव का अवक्रमण शुद्ध योनि में होता है, ये बताया है। अगर योनि शुद्ध नहीं है, उसमें कोई दुष्टि है, तो जीव वहां पर एंटर नहीं करेगा, उसका अवक्रमण नहीं होगा। तो शुक्र शोणित और जीव का संयोग तभी हो पाता है जब वहां पर कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसकी शुद्धि हो चुकी है, ठीक है। तो दूसरा, इसका दूसरा आस्पेक्ट में और इसको और बैक ले जाऊंगी कि योनि शुद्ध है, उसके साथ साथ योनि से हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया एग, ओवरीज और गर्भाशय। ओवरी में एग बने हैं, शुक्रशोणी जीव का संयोग हुआ है और गर्भाशय में आकर वो स्थित हुआ है, ठीक है। तो उस एग की क्वालिटी क्या रहेगी, थोड़ा सा हम रिवर्स जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी रहेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उस स्त्री यानी जो कन्या स्त्री बनने वाली है, उसे मैच्योरिटी आने वाली है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका डाइटरी हैबिट कैसी, उसका आहार विहार कैसा है, एक फैक्टर ये। और थोड़ा सा हम रिवर्स जाते हैं तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में वही कन्या जब थी तो उसकी माता का आहार विहार कैसा था,
वो माता का आहार विहार इफेक्ट डालता है इंट्रा यूट्राइन बेबी की ओवरी में, जो एग वहां पर डिपॉजिट होने वाले हैं, जो कि उसके बर्थ के बाद अपना काम करने वाले हैं उसके ऊपर। तो जब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन इसकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, और वो डिपेंडेंट है हर मदर, उसकी माता के ऊपर। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तब क्या होता है, वो स्टेज निकल चुकी है माता के कुक्षी से, वो बाहर आ गई, मैच्योरिटी लेवल उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो इंटरवेंशन उसने लिया, हमारे पास पेशेंट्स का बात है कि बहुत लंबी चौड़ी फाइल हो जाती है, उसके बाद इंटरवेंशन कराने के बाद आई पेशेंट आपके पास, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट वाला स्टेज जो है हमसे थोड़ा सा छूट जाता है। तो यहाँ पर हमें या तो अवेयरनेस कराने की जरूरत है कि जब मैच्योरिटी अटेन करने की स्टेज है तो थोड़ा सा हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, डाइट लाइफस्टाइल के लिए गर्ल्स में अवेयरनेस ला सकते हैं, क्योंकि बोलने का पर्पस ये है कि आजकल जो पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, बहुत कॉमन हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज से आने वाले 15-20 साल बाद, जैसे अभी ये कि ये पेंडेमिक आया, ऐसा कोई एपिडेमिक ना आए कि समस्या हो जाए, सब स्टराइल हो जाए, फर्टिलिटी उसमें रहे ही ना, ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। जिस प्रकार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, ओवेरियन फंक्शन जितना डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, तो अवेयरनेस की जरूरत है कि एट द टाइम ऑफ मेनार उनमें अवेयरनेस लाई जाए। बाय दैट अवेयरनेस हम लोग इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है वो रख सकते हैं। दूसरा ये कि बीज बीज भाग और बीज भाग अवयवदुष्टि भी इंट्रायूट्राइन लाइफ से होती है, तो वहां पर मैटरनल जो एंटीनेटल फीमेल्स हैं उनको हम अवेयर करके तो ये सारी बातें उसको समझा सकते हैं, कि जिससे आने वाली जो संतान है वो फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करें, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं, ये सारे फेजेस चले गए, ट्रीटमेंट के लिए आई है फॉर द पर्पस ऑफ क्यूरेटिव पर्पस, जहां आपने काम करना है उसका इलाज करना है, वहां आयुर्वेद में बोला है कि गर्भधारण के लिए चार चीजें आवश्यक है, सब जानते हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंगों और बीज। तो बीज के लिए तो हम चेकअप कराते हैं, टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फॉलिकुलर स्टडी होती है, सब होता है, लेकिन व्हाट अबाउट ऋतु, क्षेत्र एंड अंगों? ऋतु, क्षेत्र, अंगों के लिए कोई चेकअप नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसका एग्जामिनेशन करना है फीमेल का, कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु वाले जो तीन फैक्टर है, सबसे मेन बीज तो सबसे लास्ट में बोला है, फोर्थ फैक्टर बताया है, तो शुरुआत के जो तीन फैक्टर है ऋतु, क्षेत्र, अंबु, उसके सही है कि नहीं है, उसको हम जान सकते हैं पेशेंट की प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री लेकर, पूरी उसकी एग्जामिनेशन करके, तो हम उसको जान सकते हैं, और जहां कहीं डिफेक्ट होती है तो उसको हम लोग वहां पर इंटरवेंशन करते हैं। और कॉजेटिव फैक्टर जो मॉडर्न साइंस बोलता है कि कॉजेटिव फैक्टर रहेगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस कम होगी, एनोलेटरी साइकिल होगा, या ट्यूबल ब्लॉकेज होगा, या सिमेन एनालिसिस अगर किया जाता है हस्बैंड का तो वहां प्रॉब्लम होती है। ये चार फैक्टर जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजी उन्होंने बताया है, अगर ये चार में से कोई भी नहीं है तो उसको अनएक्सप्लेन मान लेते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें करते हैं इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, आईयूआई फेलियर हो गया, आईवीएफ फेलियर हो गया, उसके बाद सो मेनी टाइम्स आते हैं, उससे पहले जहां तक मैंने देखा है उससे पहले बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स डायरेक्टली आपके पास आते हैं। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी सक्सेस रेट बहुत कम है। इसको सोचते हुए फिर हमने एक रिसर्च टॉपिक लिया कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से पहले अगर हम अपनी इंटरवेंशन करते हैं तो क्या हो सकता है। अभी हमने वो स्टडी कंप्लीट की है कि एक ग्रुप में हमने नित्य विरेचन दिया है, एक में उत्तरवस्ती दी है, नित्य विरेचन के बाद हमने पेशेंट्स का इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आईयूआई किया हमने अपने यहाँ, एंड उत्तरवस्ती के बाद भी किया, तो सक्सेस रेट
ऑफ आईयूआई जो है वो एनहांस्ड मिला। यानी अगर दोनों पैथी अगर साथ में मिलकर करती है, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि अगर दोनों पैथीज अगर साथ में मिलकर करती है, तो ऑब्वियसली जो टेक्निक्स डेवलप कर रही करी हुई है या जो टेक्निक्स वो अडॉप्ट करते हैं, उसमें ऑब्वियसली रिजल्ट जो है पेशेंट्स को ज्यादा मिल सकते हैं। और इन चारों कॉजेस के अलावा कुछ और कॉजेज ऐसे जो हैं आयुर्वेद में बताए हैं, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। एक रेफरेंस जो क्लासिकल रेफरेंस है उसमें सबसे पहला है योनि प्रदोष मनसो अभितापात शुक्र अश्रुक आहार विहार दोष। तो एक वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक दो मिनट के बारे में बोलूंगी। योनि प्रदोषात यानी कोई योनि व्यापार उस स्त्री को अगर है तो उसमें कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉमन प्रॉब्लम्स जो है या कॉमन योनि व्यापार जो मैंने देखे हैं उसमें एक व्यापत है, परिप्लुता योनि व्यापत, वामिनी योनि व्यापत और शुष्का योनि व्यापत। ये योनि व्यापत अगर स्त्री को है तो उसको कंसेप्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी में भी होती है, लेकिन कॉमनली जो मैंने देखे हैं परिप्लुता और वातला और विप्लुता जिसमें नित्य वेदना रहती है ड्यू टू डिस्पेरुनिया पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव। ठीक है, देन सॉरी वामिनी योनि व्यापत। वामिनी योनि व्यापत क्या है? षडहात सप्तरात्रात् शुक्रम गर्भाशय गतम, शुक्र एंटर किया यूट्रस में लेकिन 6 या 7 दिन के बाद वो वापस निकल गया। तो इसका मतलब क्या? यानी वो जीव जो उसमें एंटर करने वाला था या किया उसमें जीव, उसको वो जगह वो अगर हम अपनी भाषा में बोले तो रास नहीं आई और वो निकल गया, उसमें जीव एंटर ही नहीं किया, तो शुक्र और शोणित जो है वो 6-7 दिन के बाद एक्सपल हो गए, यानी कि योनि में शुद्धि नहीं थी। ठीक है, तो वामिनी योनि व्यापद में ये होता है कि 6-7 दिन के बाद वो एक्सपल हो गया है। ठीक है, देन शुष्का योनि व्यापद यानी वहां ड्राइनेस है। ड्राइनेस है तो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म में दिक्कत होती है, स्पर्म एंड ओवम की मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, तो भी गति जो है गति इज डिपेंडेंट अपॉन वायु। ठीक है, तो वायु का क्षेत्र है जो अपान क्षेत्र है, वायु का क्षेत्र है, वहां पर अगर शुष्कता है तो वायु का कर्म प्रॉपर नहीं होगा। शुक्र और स्त्री बीच की गति प्रॉपर नहीं होने से वहां पर फर्टिलाइजेशन भी प्रोसेस नहीं होगा और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये कॉमन से कुछ योनि व्यापत है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मैंने जो कॉमनली देखा है, बाकी लेकिन सभी बहुत सारी योनि व्यापत है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कंसेप्शन में दिक्कत होती है। सेकेंड इसमें बताया योनि प्रदोषात के बाद आया मनसो अभितापात। मनसो अभिताप यानी कि मन में उसके कोई संताप है, चाहे शोक है, चाहे उसको भय है, चाहे एंगर है, किसी प्रकार का गुस्सा, डर होना, चिंता होना, ये मानसिक जो है उसके भाव हैं, जिनकी मानसिक भाव की अधिकता होने से क्या होता है कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। सौमनस्य गर्भधारणा नाम बताया है, सौमनस्य नहीं है, साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर होता है तो भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम रहती है। और ये जो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन है वो मैं कहूँ तो दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस ये कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ काम करना है, मेरा ये एग्जाम है, ये सब है, तो वो पॉजिटिव है, फॉर टू अचीव समथिंग यू आर इन स्ट्रेस। ठीक है, और नेगेटिव स्ट्रेस ये है कि आप किसी की वजह से आप परेशान हैं, कोई व्यक्ति या परिस्थिति ऐसी आपके आसपास है जिसकी वजह से आपका जो मानसिक स्थिति है वो डिस्टर्ब्ड है, या आप गुस्से में है, या शोक में है, या संताप में है, तो वो भी कारण इसमें रहते हैं। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो एमएनसीज में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करने वालों को ऑलवेज स्ट्रेस रहता है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर तो है ही है, तो उनमें हम लोग शिरोधारा वगैरह अगर देते हैं तो तुरंत ही उनमें रिजल्ट मिल जाता है कि उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो सही होकर कंसीव हो जाती है। तो सेकंड कॉजेस मनसो अभितापात,
शुक्र अशिरक दोषात, शुक्र में कोई दुष्टि है, या अशिरक यानी बीच में दुष्टि। शुक्र दुष्टि इज अ मेल फैक्टर, मेल में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें हम लोग विरेचन बताते हैं कि विरेचने नहीं बीजम कार्मुकत्वम भवति। विरेचन किया, उसकी शुद्धि हो गई, तो उसका बीज जो है वो भी सही होकर, उसकी सारी समस्याएं सारी दुष्टि जो दूर होकर, वो एबिलिटी ऑफ अचीव, एबिलिटी टू अचीव कंसेप्शन उसमें बढ़ जाती है आफ्टर विरेचन। तो विरेचन के बाद हम उनको आहार विहार और औषधि जो है, शुक्रजनन वृष्य रसायन औषधि अगर पुरुष को दी जाती है तो वो उसमें फायदा मिल जाएगा। अब आती है बारी असरिक दोष। असरिक दोष इज रिफ्लेक्टिंग होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ही अगर उसमें कहीं भी दुष्टि होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है अशरिक दोष से। अशरिक यानी कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है। पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं कि पीरियड्स कैसे आते हैं, रेगुलर है, उसका इंटरवल ड्यूरेशन कैसा है, तो उससे आपको पता चलता है कि उसमें अशरिक दोष है स्त्री में, तो अशरिक दोष को आपको ठीक करना पड़ेगा। Then you will have further management of that patient and आपको result मिल सकता है। Next बताया मनसो अपितापा शुक्र शिरुक दोषात, then आहार विहार दोषात। उसके आहार में कुछ दिक्कत है, dietary instructions के बारे में next आपको एक lecture है, इसलिए diet क्या लेनी चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मैंने देखा है वो क्या लेना है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे लेना है, आहार विधि विशेषायतन जो है उनको फॉलो करना भी जरूरी है। कुछ पेशेंट जो मैंने, जिनमें आहार विधि विशेषायतन थोड़ा सा ठीक किया तो भी उसमें हमें एनहांस इफेक्ट ऑफ दी ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कि बताया कि उष्णम अश्नियात, जीर्णे अश्नियात और तन मना भुंजित। तन मना भुंजित आजकल देखने में नहीं मिलता है। जब हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं आजकल, सब लोग जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर वो अपना डाइटरी हैबिट्स सोचेंगे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, खाने की तरफ देखते हैं नहीं देखते हैं। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले अगर हम अपना डाइटरी हैबिट्स देखेंगे तो हम कैसे खाना खाते थे, पूरा परिवार साथ में बैठ के भोजन पहले बोलने वाला मंत्र बोल के ऐसे खाते थे। लेकिन अब क्या है, हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी है, खाना कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता, क्या बना है ये नहीं पता। तो तन मना भुंजित इज गोइंग टू मिसिंग फ्रॉम अवर लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर बहुत सोच विचार करने की जरूरत है कि तन मना भुंजित इज वेरी मच एसेंशियल टू हैव एसेंस ऑफ दैट डाइट। अदरवाइज जो आप खाना ले रहे हैं वो आपको उतना लाभ नहीं देने वाला है, उतना फायदा नहीं देने वाला है। दूसरा ये है कि डाइटरी फैक्टर्स आपके जो इकोनॉमिकल स्टेटस, पेशेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के आते हैं, उनका भी अलग अलग होता है। अगर उनका इकोनॉमिकल स्टेटस लोअर मिडल है, पुअर है, या हायर इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उनका डाइटरी हैबिट्स भी थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। तो लोअर मिडल पुअर पेशेंट्स में आपको जो कॉजेटिव फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे अपतर्पण जन्य कारण, और हायर मिडल या अपर क्लासेस में मिलेंगे आपको संतर्पण जन्य। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट प्लान जो है आपका डिफरेंट हो जाएगा। स्टेटस के अकॉर्डिंगली आपको अपतर्पण की चिकित्सा करनी है कि संतर्पण की चिकित्सा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विहार दोषात। विहार दोष जो है वो मैंने जो अपने यहाँ 2-3 प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं उसमें मैंने एक वेग विधारण के ऊपर भी ले रखा है, तो वेग विधारण की हैबिट्स जो है वो भी फीमेल्स में मिलती हैं। तो वेग विधारण इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और लॉन्ग टर्म में जाकर वो भी इनफर्टिलिटी को क्रिएट करता है। देन अकाल योगात, अकाल योग यानी अभी एज फैक्टर की बात हुई तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि एजिंग जो है डिप्लेशन करता है क्वालिटी ऑफ द ओवम का, एंड कौन से समय में ट्राई करना चाहिए फॉर द कंसेप्शन,
उसके लिए भी हमें थोड़ा सा पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि ये पीरियड, ये ड्यूरेशन, प्री ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड जो है वो आपके कंसेप्शन के लिए सही है, उस समय के दौरान आप ट्राई करेंगे तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन विल बी इंक्रीज्ड। एंड देन नेक्स्ट कॉज इज बलक्षयात, बलक्षय, उसमें कौन सा बल का क्षय हो रहा है वो भी वी हैव टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई एंड देन वी कैन ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली। तो ये शॉर्ट में मैंने कॉजेटिव फैक्टर्स जो आयुर्वेद में स्पेसिफिक फैक्टर्स बताए हैं वो थोड़े से डिस्कस किए, बाकी मैडम बोलने ही वाली हैं जो मॉडर्न में कॉजेटिव फैक्टर्स जो बताए गए हैं वो चर्चा करने वाली है, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा ऑमिट किया है। नाउ डायरेक्टली आई विल जंप टू ट्रीटमेंट पोर्शन, कि ट्रीटमेंट अगर हम प्लान करते हैं तो मैं कैसे प्लान करती हूँ वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। कि सबसे पहला जो सिद्धांत, मैं जब पेशेंट की ट्रीटमेंट करती हूँ तो आई फॉलो द प्रिंसिपल, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटमेंट, उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो मैं फॉलो करती हूँ दैट इज अग्नि सिद्धांत। सी द अग्नि ऑफ द पेशेंट, उसका अग्नि कैसा है, मंद है, विषम है, तीक्ष्ण है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लान। दूसरा सिद्धांत आम चिकित्सा, आम है तो श्रुतोरोध होगा, श्रुतोरोध है तो यू हैव टू गो फॉर शोधन, तो लोकेट दी आम लक्षण। तीसरा दोष चिकित्सा, आइडेंटिफाई दी दोष, कौन सा दोष उस पेशेंट में आपको मिलता है, अगर वात दोष उसमें दुष्ट है तो कौन सी मेडिसिन हम लेंगे, स्निग्ध, उष्ण और गुरु, जैसे कि शिलाजीत है, शतावरी है, पेशेंट को दूध और घी बोलेंगे अगर उसमें वात दोष आपको मिलता है उस पेशेंट में कि प्रकोपित है तो। पित्त दोष अगर है तो शीत और पुष्टिकर हम औषधियां उसमें बताएंगे, शतावरी, ब्राह्मी। मैं जो पित्त वाले पेशेंट्स हैं उनमें स्पेसिफिकली यूनि प्रक्षालन प्रेफर करती हूँ कि पित्त अगर बड़ा है तो लोकल टेम्परेचर ऑफ द विजाइना आल्सो विल बी इंक्रीज, तो वहां पर हम यूनि प्रक्षालन पेशेंट में करवा देते हैं तो वो उसको स्पर्म एंट्री को थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है। देन तीसरा कफ दोष, कफ है तो हम उष्ण और लघु चिकित्सा जो है वो फॉलो करेंगे, जिसमें गुगुल, मंजिष्ठा, हरिद्रा, ये एक दो एग्जाम्पल में दे रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कफ शामक औषधियां जो है पेशेंट में बता सकते हैं। और त्रिदोष है तो बंग भस्म फलघृत आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि सारे दोष इस पेशेंट में दुष्ट है तो इनको आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल आई फॉलो इज सिंगल ड्रग कभी भी काम नहीं करता है इनफर्टिलिटी, यू हैव टू सिलेक्ट मल्टीपल ड्रग्स, एक दो तीन मेडिसिन आपको इन सारे सिद्धांत के हिसाब से पेशेंट में देनी पड़ेगी। और थेरापी जो हम देते हैं वो भी एक थेरापी से काम नहीं चलेगा, आपको दो का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, प्रक्षालन पीचू करते हैं तो प्रक्षालन पीचू, विरेचन करते हैं तो विरेचन के बाद बस्ती आपको करनी पड़ेगी, उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो उससे पहले आपको निरो बस्ती दे के उत्तर बस्ती देना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरापीज यू हैव टू फॉलो। देन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान शुड बी मेड, एक ट्रीटमेंट सभी पेशेंट में एक जैसी नहीं होगी तो यू हैव टू मेक अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लेवल देखते हुए यू हैव टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, कि हमें इसमें क्या करना है, शोधन करना है, शमन करना है, धातु पुष्टि करनी है, रसायन करना है, वी हैव टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑल द प्रिंसिपल्स। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रेट्रोस्पेक्टिव इंटरोगेशन इज मस्ट, कि मैंने ये ट्रीटमेंट दिया इस पेशेंट को फायदा हो गया है, वैसा ही ट्रीटमेंट मैंने दूसरे को दिया उसको लाभ नहीं हुआ, तो जिसको लाभ नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि क्यों लाभ नहीं हो रहा है, तभी जाकर आपको नेक्स्ट पेशेंट में या उसी पेशेंट में फायदा देने में आपके लिए जो है वो राह आपकी आसान हो जाएगी। तो ये मैंने शॉर्ट में
प्रिंसिपल्स बताए कि कौन से प्रिंसिपल जो है मैं फॉलो करती हूँ। तो अब मैं आपको एक छोटे छोटे केसेस जो है वो मैं डिस्कस करूंगी कि मैं कैसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करती हूँ, या अभी जो मेरे फ्रेश पेशेंट्स जो है ठीक हुए हैं उनका एक दो केसेस मैं आपको बताऊंगी कि अभी मेरे पास जो अभी लॉकडाउन पीरियड के दौरान पेशेंट आई थी कि मैसेज आया कि उसको ल्यूटियल फेस डिफेक्ट है पेशेंट को। शी वॉज ऑलरेडी डायग्नोस्ड कि सारे टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, मॉडर्न ट्रीटमेंट ले लिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह उन्होंने दे दिया। बट अभी लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना टाइम चल रहा है, हम कोई थेरापी उसको नहीं दे सकते। पेशेंट का साइकिल रेगुलर था, एक सिम्टम उसने बताया कि पेन आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद पेशेंट को पेन हो रही है, दूर है पेशेंट, उसकी कोई थेरापी भी नहीं हो पाती। लेकिन एक बेनिफिट मुझे ये था कि उसके हस्बैंड जो है ही वॉज अ बॉटनिस्ट, तो मैं उसको मेडिसिनल प्लांट जरूर बता सकती थी कि ये वाला प्लांट मुझे चाहिए इफ यू कैन लोकेट। तो उसको मैंने दीपन पाचन किया अविपत्ति का चूर्ण से, उष्ण जल लेने के लिए बोला, और ड्यूरिंग दैट पीरियड डायट्री इंस्ट्रक्शंस, थोड़ा सा लंघन और मृदु आहार लेने के लिए बोला। लंघन मृदु आहार के बाद मैंने दो घृत उसको एडवाइस किए, दाढ़ीमादी घृत प्लस फल घृत, और एक मेडिसिनल प्लांट जो मुझे चाहिए था दैट वाज आइपोमिया मैगिनाटा यानी लक्ष्मणा, जिसको कि हिंदी में वन कलमी बोलते हैं और मराठी में शायद आमटी बेल बोलते हैं उसको, उसका मैंने उसको क्षीरपाक एडवाइस किया क्योंकि उसका नाम ही पुत्रदा है इस मेडिसिनल प्लांट का। तो वो मेडिसिनल प्लांट उसको बता दिया कि इसका आपको अरेंज करना है एंड यू हैव टू कंज्यूम द क्षीरपाक ऑफ दिस प्लांट। शी कंज्यूम एंड नाउ वो मैसेज आया मुझे अभी 5-6 दिन पहले ही मैसेज आया कि शी हैज कंसीव्ड, एंड वो बहुत स्ट्रेस में थी कि सारा कुछ ठीक है, सिर्फ एक दिक्कत की वजह से आई एम नॉट एबल टू कंसीव, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट जो है वो उसको था। एंड सेकेंड केस जो था वो भी अभी कुछ दिन पहले का ही है, फ्रेश केस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि उसमें लो एएमएच था। आजकल सभी पेशेंट्स में होता है कि ओव्यूलेशन प्रॉपर है, सब कुछ है, ये है वो है, या तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं तो तुरंत वो लोग एएमएच करा देते। उसका एएमएच लो था, तो इस पेशेंट में भी मैंने पहले दीपन पाचन करवाया, देन सुकुमार घृत, दात्रादि घृत। दात्रादि घृत बहुत अच्छा ड्रग है, एक उसमें आपको शतावरी रस भी है, इक्षु रस भी है, कुष्माण रस भी, यानी सब रसायन उसमें है। तो मैंने उसको सुकुमार घृत विद दात्रादि घृत और साथ में द्राक्षारिष्ट यानी ये रसायन औषधि उसको देना जरूरी थी क्योंकि एएमएच लो था। तो एएमएच लो अगर है तो हमें उसमें रसायन देना है, अगर ये पीरियड नहीं होता तो हम उसमें बस्ती थेरापी करते। तो इसको मैंने ओरल ट्रीटमेंट दे दिया और नाउ हर एएमएच इज आल्सो विद इन 3 मंथ्स ओके, एंड नाउ 2 दिन पहले ही उसका यूपीटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। एंड द थर्ड केस जो है मैं बताऊंगी आपको अभी, एक केस जो है उसमें रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री थी, नॉट वेरी कॉमन प्रॉब्लम, रिकरेंट यूटीआई वल्वोवेजिनाइटिस था उसको, एंड बर्निंग सेंसेशन इन दैट पोर्शन विजाइना, सो बिकॉज ऑफ दैट शी वाज हैविंग डिस्पेरुनिया यानी जिसको हम परिप्लुता योनि व्यापद बोलते हैं। इस परिप्लुता योनि व्यापद में आपको वात पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली पित्त शामक। तो उसको मैंने किया चंद्र प्रभावटी शुरू करवा दी साथ में गुड़ुच्ची आदि का सा। ऐसे पेशेंट्स में मैं परिप्लुता के पेशेंट्स में देती हूँ बस्ती आमेन तक घृत जो आता है अवेलेबल है बहुत इजीली, वो उसको हमने शुरू करा दिया है और वो भी कंसीव हो गई है। और कंसेप्शन के बाद लेकिन मुझे उसमें चालू रखना पड़ा है यष्टि मधु गुड़ुच्ची बला अश्वगंधा जो मैं पेशेंट्स में देती हूँ, वो उसको हमने कंटिन्यू करा दिया है, एंड शी इज ऑल्सो ओके, कार्डियक पल्सेशन भी उसकी आ गई है एंड शी इज वेरी हैप्पी। एक छोटे से 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी जो ओवेरियन फैक्टर्स जो है उसमें हम लोग मधुतैलिक बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं, नस्य देते हैं, और ट्यूबल फैक्टर में हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। ये शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी एज पर द क्वेश्चन